गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन मैथ्स क्लास। और एग्जामिनेशन जैसे जैसे आपके नज़दीक हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको कुछ टिप्स यहाँ से दे रहे हैं, गौर से सुनेंगे और उनका फ़ायदा उठाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है आपका कि प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स, तो आपको कॉमा जो है सही जगह पर लगाने होते हैं। सही जगह पर मतलब क्या है, जैसे 506 है तो कॉमा कहाँ लग सकता है, 5 के बाद। अगर मान लो 5100 ऐसा होगा तो कहाँ कहाँ कॉमा लग सकता है, 5 के बाद और 1 के बाद। इस टाइप से ये ध्यान देना है आपको कि वन से मतलब कॉमा लगाने के लिए आप 100 के बाद फ्री हो, आप 100 पर कॉमा लगा सकते हो। उसके बाद अगर 1000 है तो वहाँ कॉमा लग सकता है, लेकिन अगर 10000 होगा तो अब एक ही कॉमा लगेगा। लैक होगा तो लैक के पास कॉमा लगेगा, 10 लैक होगा तब भी एक ही। इस बात का ध्यान देंगे। और ऐड करते समय, अगर ऐड करने के लिए आता है तो ऐड करते समय विशेष ध्यान देंगे आप कि वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस वाला हिसाब किताब ज़रूर ध्यान में रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है। और सब्ट्रैक्ट करते समय भी विशेष ध्यान देंगे कि पहले तो वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100 इस टाइप से लिखा होना चाहिए डिजिट। और फिर ये देख लो कि वो कैरी वाला है या सिंपल है, तो इस बात का। और कैरी लेते समय विशेष ध्यान देंगे जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं। और मल्टीप्लाई में अगर सिंगल डिजिट का, अगर एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है तो तब विशेष ध्यान देना पड़ता है कि पहले जब मल्टीप्लाई करते हो तो वंस से लिखा जाता है, और जब दूसरी डिजिट जो टेंस में होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो टेंस से स्टार्ट करते हैं। और सेम डिवाइड में डिवाइड करते समय भी विशेष ध्यान देना पड़ता है, और डिवाइड इतने कठिन भी नहीं होते, आप आराम से, यानी कि डिवाइड का मतलब है बांटना और मल्टीप्लाई का मतलब है उनको गुणा करके बढ़ाना। और इस्टीमेट आपको बताए हैं कि कहाँ कहाँ राउंड होंगे, फिर से सुन लें कि अगर 50 तक आप पहले, जैसे मान लो 350 है तो 300 पर राउंड करेंगे, और अगर 351 या 352 हो जाएगा तो वो 400 पर राउंड होगा। इस बात का ध्यान देना है, चाहे उसमें आपको इस्टीमेट में ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो। और अगर आपको नेचुरल नंबर से लिखने के लिए दिया जाता है कि बाद के लिखो, या मतलब आफ्टर लिखा होगा या बिफोर लिखा होगा, तो आफ्टर का मतलब उसके बाद और बिफोर मतलब से पहले। मान लीजिए 50 है, आप 50 की आफ्टर में, तो क्या करेंगे आप, एक बार 50+1, फिर 50+2, 50+3, 50+4 ऐसे करके। और अगर बिफोर होगा तो 50-1, 50-2, 50-3 करके आप सारी डिजिट जितनी भी लिखी होंगी, जितना भी आपको लिखना होगा, 3, 4, 5 जो भी लिखेंगे आपको 3-4, तो आप लिख सकते हैं। और अगर आपको सक्सेसर लिखना होगा तो सिंपल, सक्सेसर का मतलब एक आगे का, तो +1 करके, फिर अगर दूसरे जिसमें भी जिसका भी लिखना होगा सक्सेसर, +1 करके लिख दोगे आप। मान लीजिए 15 है तो 15 का सक्सेसर लिखना है आपको, तो आप क्या लिखोगे, 15+1 करके। और अगर आपको लिखना है उसका प्रेडेसेसर तो आप 15-1 करके लिखोगे, ठीक है। और SCF निकालने की दो आपके पास मेथड है, अगर 2 डिजिट हैं तो आप डिवाइड वाली मेथड से भी कर सकते हैं और फैक्टर वाली भी, प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं। तो SCF निकालने पर इस बात का विशेष ध्यान दिए, या तो उन दोनों में से एक होगा या फिर उनसे छोटा होगा। और अगर LCM आएगा तो उन दोनों में से एक भी हो सकता है, और अगर उन दोनों में से एक नहीं होगा तो उनसे बड़ा होगा, यानी कि SCF छोटा हो सकता है और उन दोनों में से एक भी हो सकता है, लेकिन LCM जो है उन दोनों में से एक होगा, अगर उन दोनों में से एक नहीं है तो वो उनसे बड़ा होगा, इस बात का ध्यान देंगे। और अगर आपको ट्री मेथड, जो फैक्टर ट्री मेथड है वो बनाना है, तो उसको भी बड़े हिसाब से बनाना पड़ेगा आपको, कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से बाय द वे नहीं जाता है तो 3 से, अगर उससे भी नहीं जाएगा तो 5 से, अगर 5 से भी नहीं जाएगा तो 7 से। ये आपको बताया है कि कैसे कैसे करते हैं, तो इन बातों का विशेष आप ध्यान देंगे। और साथ ही साथ में आप रोमन न्यूमेरल्स यानी कि रोमन नंबर्स जो है, कम से कम आपको बाकी नहीं भी आती हैं तो मीन जो मोटे मोटे की, 1 को कैसे होते सिंपल है, 10 को कैसे लिखेंगे, 20 को, 30 को, 40, 50, आपका टारगेट होना चाहिए 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इनको आप टारगेट करोगे तो आप सारे ही रोमन न्यूमेरल से लिख सकते हो। और उसके बाद अगर 100 दीज फ्रैक्शन आएगा तो इस बात का मैंने पहले भी आपको वीडियो बना के बताई है कि फ्रैक्शन को कैसे दिखाते हैं, जो उनका डिनोमिनेटर होता है उन्हें पार्ट कट कर डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है उतने ही पार्ट्स करेंगे, और जो उसका न्यूमिनेटर होगा उतने पार्ट्स को आप सेट कर देंगे तो आप फ्रैक्शन को दिखा सकते हैं। मान लो आपको 1/4 दिखाना है तो आप 4 पार्ट करेंगे पहले बराबर और 1 पार्ट को सेट कर देंगे। तो ये था कुछ और वीडियो, ऑडियो के रूप में आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगी। तब तक बने रहिए गुरु के SB यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब करना ना भूलें।